गंगापुर का गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम। हे एक नंबरी कलाकार है, नामी है नौटंकी बाज, बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज। कितना भी हो जाए नाम, बने नहीं विद्या बिन काम। कितना भी हो जाए नाम, बने नहीं विद्या बिन काम। कहता है भाई गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम। जब कोई किसी का नाम तभी लेता है जब उसे किसी से प्यार हो जाए। आ, और अब देखना गंगा किसी दिन लुगाई बना के ले आएगा साधना को इस गांव में। मेरा गंगा ऐसा नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम उसकी मदद करना प्रभु, उसे साहस और बल देना जिससे वो कभी कभी गलत रास्ते पर ना चले। हीरो? हाँ। इस कहानी में तुम्हारे जैसे हीरो की जरूरत थी, तुम मिल गए, शुरू कर दिया। दरअसल ये कहानी अलग किस्म की है, जाहिर है अलग किस्म की कहानी के लिए अलग किस्म का हीरो। हमको तो सब कुछ सपना ही लग रहा है। सभी परीक्षार्थियों में जो सबसे पहले नंबर पर आए हैं वो हैं श्री गंगाराम। गंगाराम फिल्मों में हीरो बन गए ना, उनका इंटरव्यू आने वाला है, पूरे हिंदुस्तान में लोग देखेंगे, बिशनपुर और गंगापुर में भी। मेरा संदेशा है कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, हौसला रखिए, और हौसला रखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है विद्या। अगर आपके पास विद्या है, आप पढ़े लिखे हैं, तो जिंदगी का हर सपना आपका पूरा होगा ही। परिचय में आज हमारा परिचय हुआ गंगापुर के अभिनेता और गायक गंगाराम जी से। आपने इंटरव्यू अच्छा दिया, सारे जवाब अच्छे दिए, लेकिन लेकिन का हमसे कौन गलती हो गया का? हाँ, आपने वहाँ मेरा नाम क्यों ले लिया? गलत नाम ले दिया का? कहाँ आपके गांव वाले गुरुजी और कहाँ मैं, इतना बड़ा ओहदा है क्या मेरा? अच्छा एक बात बताइए, आपने हमको लिखना पढ़ना सिखाया कि नहीं? अरे बोलिए ना कुछ, हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ सिखाया। और हाथ पकड़ के काका का लिखना सिखाया कि नहीं सिखाया? हाँ भाई सिखाया। और हम ठीक से लिख पढ़ रहे हैं कि नहीं? आपने हमको डांटा और बड़ा बड़ा हमको भाषण दिया है, और हमने आपको कभी मुर्गा बनाने का मौका नहीं दिया है कि नहीं? तो क्या आपने हमको सही गलत समझाया, सही सही सलाह दिया, अच्छा रास्ता दिखाया, इतना सब आपने हमारे साथ किया, तो हम आपका नाम लिए बगैर कैसे रह सकते हैं? और ये सब गुरु ही करता है ना, तो हमने गुरु का नाम ले दिया तो कौन गलत किया का? आपकी सारी बातें सही है, लेकिन गंगाराम मैं इतना सम्मान पाने के लिए बहुत छोटी हूँ। देखिए हम एक बात जानते हैं, जो बड़ा काम करे वो बड़ा, जो ज्ञान दे वो ज्ञानी, बस खत्म। हम तो डर ही गए थे कि शायद आज हमको डांट पड़ेगी। मैं आपको डांटती हूँ? हाँ डांटती हूँ, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है। फिर डरे क्यों? वो कहा है कि थोड़ा नाटक करना पड़ता है ना। क्या? हाँ अच्छा, हमको तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि हमारे नए घर में आप हमको कम डांटेगा। पहले तो आप गलत करेंगे ही नहीं, जब भी कुछ गलत हो तो आप खुद को डांटिए, और वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलेंगे, और वैसा कभी मौका ही नहीं आएगा। चलिए वादा कीजिए। वादा तो करते हैं लेकिन एक शर्त पे। कहिए। हमारे नए घर में सबसे पहले आप कदम रखेंगे। ठीक है। देखो दोस्त कौन मिलने आए हैं। साधना दीदी चली गई क्या? हाँ वो गई। अरे पन्नालाल जी, पंजानी साहब, झूले लाल, आई झूले लाल, आई बैठिए, बैठो बैठो, आप भी बैठो, आई बैठिए बैठिए बैठिए। आप लोग एका की? हाँ। अरे गंगाराम जी, सुबह से आपका घर ढूंढे ढूंढे परेशान हो गया, कितना चक्कड़। ये तो झूले लाल की कृपा से वो पन्नालाल जी मिल गए तो आपका घर भी मिल गया। हाँ बताइए पंजानी साहब, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी, कैसे आना हुआ आप लोगों का? गंगाराम जी, इस वक्त पुंजानी बहुत तकलीफ में, अगर आप मेरी एक फिल्म साइन कर दे तो ये डूबता हुआ पुंजानी तैरने लगेगा। हम आपको पहले ही कहे थे
गंगाराम जी को साइनिंग अमाउंट दे दो, वो आपकी फिल्म साइन कर देंगे। पन्नालाल जी, ये तो आपका खास दोस्त है, कुछ हमारे लिए बोलो ना यार। गंगाराम जी, पुंजानी इस समय बहुत तकलीफ में है, उसके पास पिछले फिल्म का कर्ज भी है, मगर ये पैसे नहीं दे सकता। मार्केट से जैसे पैसे मिलेंगे, तुम जितना चाहोगे जैसे चाहोगे वैसे पेमेंट मिल जाएगा, तुम्हारे नाम से इस मार्केट में पैसे भी मिल जाएंगे। अरे भाई, हम नौटंकी कलाकार हैं, हमारे ऊपर कोई फाइनेंसर इतना पैसा काहे लगाएगा? अरे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस तो खराब नहीं होती। गंगाराम जी, आप नहीं जानते कि आपके नाम पर फाइनेंसर कितना पैसा लगाने के लिए तैयार है। आप एक बार मेरी पिक्चर साइन कर दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ। अरे भाई, देखो पुंजानी साहब, अगर पैसा आने पर हमारे कलाकार को ठीक से पेमेंट नहीं किया तो तुम्हारा ये तैरना बंद हो जाएगा, तुम फिर डूब जाओगे। ठीक है, हमको मंजूर है, लेकिन हमारे एक गुजारिश है। वो क्या साई? क्या है कि हमारे एक दोस्त हैं पुन्ना भाई, उसके लिए अपनी फिल्म में एक अच्छा सा रोल निकालो ताकि उसका भी भला हो जाए। अरे क्या बात करता है साई सेठ, कल ही उसको ऑफिस में भेजो, उसके लिए इतना अच्छा रोल निकालेगा कि वो भी जिंदगी भर याद करेगा, जिंदगी भर याद करेगा यार। गंगाराम जी, एक छोटा सा तकलीफ करो, यहाँ जड़ा साइन मार दो, देखो कल हम ट्रेड पेपर में सब में फुल पेज दे देगा यार। बैठो गंगाराम। बैठो। थैंक यू वेरी मच। अब देखो ये पुंजानी, ये लेटर से कितना पैसा कैच कराता है और क्या क्या करता है। पन्ना लाल, अरे यार झूले लाल, उठो जड़ा, साइड में जा रहे तो यार। चलो यार, चलो यार। दोस्त, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आई? यही कि मुन्ना तुमको हमेशा नीचा दिखाता रहा, तुम्हारा बुरा चाहता रहा, और तुम हो कि उसकी मदद करते ही जा रहे हो। यार, जो शरण में आए उसकी मदद करनी ही चाहिए, वही सच्चा धर्म है। अब एक बात बता, जैसा वो मेरे साथ करता है, अगर मैं भी उसके साथ वैसा ही करने लगूं तो उसमें मुझे फर्क क्या है? वो तो ठीक है, पर ये सतयुग की बातों का आज के जमाने पर कोई मतलब नहीं है। इंसानियत के माने हर युग में एक ही होते हैं प्यारे, और फिर वो सुधारने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी गलती मान चुका है। लेकिन दोस्त, दोस्ती का हाथ संभाल कर बढ़ाना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे हाथ पकड़ कर तुम्हें नीचे गिरा दे और तुम्हारे सर पर चढ़कर बैठ जाए। तुम्हारा मतलब मुन्ना चाणक्य नीति अपनाएगा? मुझे नहीं लगता। चलो मान लिया, लेकिन एक बात है। क्या? मुन्ना को चांस दिला दिए और अपने प्यारे को भूल गए। अरे दोस्त, पहले तू अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ले, उसके बाद देख मैं तेरे लिए क्या क्या करता हूँ। चलो ठीक है, पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, नहीं तो बाबूजी भी ऐसी की तैसी कर देंगे, फिर देखना हम दोनों की जोड़ी बनेगी, शाहरुख खान और सलमान खान। चलिए दरवाजा खोलिए। आइए। हाँ। आइए आइए। अरे वहाँ कहाँ भौजी, पहले नीचे चलो नीचे। हाँ, हाँ, हाँ। पूरी बाप रे, कितना बड़ा घर है, है? सीढ़ी भी है, ऊपर का है, तीन कमरा और है। तीन? हाँ हाँ हाँ, हाँ। देखे यहाँ भी खोली है का? अरे बाप रे, कितना अच्छा सजाया है, है? ये सब साधना और प्यारे का कमाल है। गंगाराम, बम्बई में अपना घर मुबारक हो। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। अरे अपना वो घर अच्छा था। क्यों? वहाँ साथ था, यहाँ अकेलापन है। यहाँ भी आदत पड़ जाएगी, जो आगे बढ़ते हैं उनको तो पड़ाव बदलना ही पड़ता है। दोस्त, इस बंगले में मैं किधर रहूंगा? अरे कहीं भी रह लेना, कमरा बदल बदल के। वाह भैया, ये घर देख के तो मन बड़ा खुश हुआ, बहुत महंगा होगा है? अरे अम्मा, महंगा हो या सस्ता, तुम भी ऐसा ही बंगला खरीदने वाली हो। अरे खरीदना का है, ये भी तो भौजी का ही है, इन्हीं के आशीर्वाद से तो मिला है। भौजी ये काम करते हैं, इसकी शादी कर देते हैं। हाँ, जो इसकी बहू आएगी तो पूरा का पूरा मकान इसी को दे देंगे। देखा मकान? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मुन्ना भाई, गुड मॉर्निंग।
अरे ये मेरे पीछे पड़ गए थे, कहने लगे गंगाराम जी से मिलना है। मैंने पता बताया लेकिन माना ही नहीं। चलो साथ ही चलो, मुझे भी आना पड़ा। चलो अच्छे हो गए ना, आ जाओ। चलो चलो गंगाराम जी, आज आपके कारण पुंजानी जी ने अपनी फिल्म में मुझे साइन कर लिया। ये लो मुंह मीठा करो और मेरा शुक्रिया कबूल करो। ना भाई, फिर गलती कर रहे हो। दोस्ती में धन्यवाद तो शुक्रिया ये सब नहीं चलता। अरे शुक्रिया अदा करना है तो मेरा करो भाई, मिठाई खिलाकर। तुम्हें तो मैं यहाँ लेके आया हूँ, इतनी दूर चल के आया हूँ। मुन्ना भाई, आपकी एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या क्या? सुना है आप बहुत शराब पीते हैं। यही एक लत भिखारी के दिनों में ऐसी लगी कि छूटती ही नहीं। मुन्ना भाई, शराब छोड़ दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये नामुमकिन है और मेरे बस के बाहर है। तो ठीक है, फिर गंगाराम से दोस्ती छोड़ दो। गंगा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आपकी दोस्ती से बढ़कर कोई चीज थोड़ी है। तो शराब छोड़ दो। आप कहेंगे तो शराब भी छोड़ देंगे। कसम खाते हो? आपकी कसम, आपकी दोस्ती की कसम, आपकी दोस्ती पर दारू कुर्बान। वाह मुन्ना भाई, कुर्बानी तो ऐसे कह रहे हो जैसे देश पर कुर्बान हो रहे हो। हेलो। हाँ मेहता जी, हाँ हाँ बात कीजिए मेहता जी। हेलो मेहता, नमस्कार। क्या कल सुबह 9:30 की शिफ्ट है? हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके। सिर्फ बातों से देश नहीं चलता नेताजी, देश चलाने के लिए चाहिए शिक्षा और शिक्षा के लिए चाहिए स्कूल। आखिर ये स्कूल हमारी बस्ती में बनेगा कब? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जब तुम्हारी बस्ती में स्कूल खुलेगा तभी देश चलेगा। सिर्फ तुम्हारी ही बस्ती हिंदुस्तान नहीं है। जिन गरीबों से वोट की भीख मांगते हो वो है आज का हिंदुस्तान, और जिन बच्चों को आज तक शिक्षा की रोशनी दूर रखा वो है कल का हिंदुस्तान। आप लोगों का हिंदुस्तान दिखता कहाँ है? कैट, वो गांव कितनी दूर है यहाँ से? लगता है आ गए। नमस्कार। नमस्कार, माफ करिएगा आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। बैठिए बैठिए। हम तो ज्यादा देर इंतजार करने के लिए भी तैयार थे। चलिए तब तो मैं बच गया। गंगाराम जी, आनंद भाव आज आपसे एक खास काम के लिए आए हैं। कहिए आनंद भाव। हाँ गंगाराम, काम थोड़ा खास तो है लेकिन मकसद वही है, शिक्षा की रोशनी फैलाना। एक छोटी सी योजना है, उसमें हमें आपकी मदद चाहिए। आप हुकुम करिए, आप तो हमारे गुरु गोविंद हैं, बताइए मुझे क्या करना है। एक गांव में हमारी संस्था एक स्कूल चलाती है जी, जहां पर मुफ्त शिक्षा दी जाती है। फिर भी किताब कॉपी और शिक्षा वेतन वगैरह पर खर्च तो होते ही है, और हम चाहते हैं कि इस नेक काम के लिए नेक आदमी की मदद चाहिए। ये तो होना ही चाहिए साधना जी, सिर्फ नेक काम ही नहीं उन बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य का पैगाम भी है। धन्यवाद गंगाराम, आपको सिर्फ एक साल का खर्च उठाना होगा 25,000 रुपए। एक साल क्यों, आगे खर्च उठाना मना है क्या? गंगाराम, आपने हमारी गुरु दक्षिणा चुका दी, हमने कहा था ना कि वक्त आने पर ले लेंगे। देखिए आनंद भाव, हमारी गुरु कितनी महान है, अपने लिए गुरु दक्षिणा भी नहीं ले रही हैं। रुक रुको भाई, अब तो दुकान बंद करने का टाइम हो गया। टेलीफोन करना है ना। कहाँ? मुंबई, गंगाराम से बतियाना है, उसके घर पे टेलीफोन आया है ना। अच्छा अच्छा, ये देखो आज चिट्ठी आई है। अरे नंबर देख के मिलाना, कहा है देरी से फोन करना। अरे भैया शूटिंग से देरी से लौटते होंगे ना। हाँ हाँ, जाइए जाइए अंदर जाइए। हेलो गुरुजी। कौन गुरुजी? गंगापुर के गुरुजी। हाँ एक सेकंड। ये कौन बेवकूफ है, गुरुजी को नहीं पहचानता, कहता है कौन गुरुजी। अच्छा गंगाराम, गांव से फोन आया है। हाँ ठहरो आते हैं। अरे हाँ।
हेलो, हाँ गंगाराम बोल रहा है गुरुजी, कैसे हैं? हाँ? अरे नहीं नहीं, वो नया आदमी है। हाँ, आ अब आज जान गया है, अब ऐसी गलती नहीं होगी। गुरुजी, वो हमारा दोस्त है और अच्छा ड्राइवर भी है, इसलिए यही रहता है। हाँ, ड्राइवर, ड्राइवर रखे हैं। सुनो, उसको तनख्वाह अधिक मत देना। हाँ, चिट्ठी आज ही आई है गुरुजी, हमको थोड़ा बात करने दो, थोड़ा बात करने दो, करने दो थोड़ा। हाँ हेलो, बोलो। ड्राइवर रखा, गाड़ी भी होगी, रिक्शा ड्राइवर होगा। हाँ, तो गांव कब आ रहे हो? अरे नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। अरे गजब बात करते हो तुम भी, गांव से जाके यहाँ का सब कुछ भूल गए का? अरे लाओ हमको, हम बात, अरे बात तो पूरी कर, बात तो पूरी कर लेने दो ना। अरे कैसे भूल जाएंगे, हमको भी गांव की आप सब लोगों की बहुत याद आती है। माई और कुंती कैसे हैं? हैं? हम उसे कहिए हम जल्दी आएंगे। हेलो 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 हेलो, अब सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, लो तुम बात करो। हेलो गंगा भैया, हम बसेसर बोल रहा हूँ, और मजे की बात सुनिए, ये जो बद्री है ना, वो फिर आज दारू पी के घर पे पड़ा है। अच्छा अच्छा, वो छोड़ो, हमको बताओ कि मुंबई के कौन हीरोइन से बात बात हुई कि नहीं। हेलो हेलो, अरे किससे बात कर रहे हो, लाइन तो कट गई। ये कुल गुरुजी सब तुम्हारे वजह से, हमको बतियाने नहीं मिला गुरुजी। बाद में कर लेंगे फोन, लाइन कट गई तो कोई क्या करेगा, बाद में कर लेंगे। हाँ तो भैया, क्या पैसा हुआ? लो, लाइन कट गई। कटी नहीं, काट दी गई। रामलन भैया, जय राम जी की। अरे गंगा, अरे सुनती हो, देखो कौन आए हैं, आओ बैठो। ये लीजिए। ये का है? आपके सेविंग का सामान, विलायती है। अच्छा, अरे भौजी प्रणाम। अरे गंगा भैया, हमने सोचा आज ही उद्घाटन कर लिया जाए, नहीं तो सोमवार तक इंतजार करना पड़ता। अब देखिए गंगा भैया को कितना ख्याल रखते हैं आपका। अब छोड़िए पुराना, नए से कीजिएगा। हाँ, अब तो नए से ही करेंगे। भौजी, हम सोच रहे हैं कि गांव चले जाएं। हाँ भैया, गांव के लोग आस लगाए बैठे होंगे। अरे नहीं, देखते होंगे कि गंगा भैया कितना बड़का आदमी बन गया है। लीजिए, क्या कहते हैं भाई, बड़के हम थोड़ी हैं, बड़के तो आप हैं, का भाजी? और नहीं तो का, देखे गंगा भैया को एकदम नहीं बदले। तो का हम बदल गए हैं, का हो गंगा? हाँ, बदल ही तो गए हैं, देखे गंगा भैया से कितने प्यार से बतिया रहे हैं। अरे देखा देखा हुआ, देखा कैसे आदमी लोग जमा हो गए हमारे घर के सामने। देखा हो, हमारे गंगाराम के देखे खातिर कितना भीड़ जमा हो गया है, हैं? हमारे गंगाराम है हमारे गांव के। अरे गंगाराम जी, गुड मॉर्निंग। पुंजाली साहब, आइए आइए। भाई मकान तो डाडा सुठो दिखतो यार, बड़ी मेहरबानी हुई यार। मेहरबानी, आइए अंदर आइए। आप चलो यार। अरे आइए ना अंदर पहले यार, आप चलो यार, आइए। हाँ बताइए पुंजाली साहब, कैसे आना हुआ? अरे गंगाराम जी, हम तो आपको एक खुशखबरी देने आया है, आपके नाम का मेरे को फाइनेंस मिल गया है। अरे वाह, तब तो पार्टी होना चाहिए भाई। अरे पार्टी इतना धूमधाम से पार्टी करेंगे कि पुंजानी को लोग याद करेंगे। पर आज तो मैं आपको साइनिंग अमाउंट देने आया, 51,000 रुपीज। अरे वाह, ले लो। चलिए मुझे खुशी हुई, क्या आप फिर फिल्म बनाना शुरू कर रहे हैं? कब शुरू करें भाई? जब आप डेट दे देंगे। बताइए कब चाहिए आपको? वही जितनी जल्दी हो सके डेट दे दें, कहीं फाइनेंस सड़का मूड बदल गया तो मैं फिर से फुटपाथ पे आ जाऊंगा। अरे ऐसा नहीं होगा, मैं 10 दिन के गांव जा रहा हूँ, वहाँ से लौटते ही आपको डेट दे दूंगा। लेकिन 10 दिन का डेट देना जरूर है। दे दूंगा भाई, दे दूंगा। अच्छा, राम राम चाहिए। राम राम। अरे हाँ, वो मुन्ना को ऑफिस में भेजना मत भूलना, क्योंकि उसके लिए भी साइनिंग अमाउंट रखा हुआ है, अच्छा सा रोल भी निकाला हुआ है। ठीक है ठीक है, बड़ा खुश था वो, भेज दूंगा। अच्छा जी,
चलिए पानी वानी नहीं पिएंगे? मैं रोज पीता हूँ साईं। आइए आइए। लो चिट्ठी आई है, अभी तक उनको यहाँ का पता नहीं मालूम होगा ना। लो पगली। क्या बात है? पढ़िए। अरे पढ़िए ना, पढ़कर आप भी हंसेंगे। नहीं आप ही पढ़िए। साधना जी कौन है? टीवी में भी बड़ा जोर जोर से नाम ले रहे थे, चिट्ठी में भी बार बार नाम पढ़े हैं। हमको साफ साफ बताइए कि बूढ़ी है कि जवान है, और आप काहे उनका नाम जपते रहते हैं? कुंती ने लिखा है। हाँ एकदम पगली है। आपकी पगली? अब देखिए साधना जी, ऐसी बेवकूफ की बात तो कोई पगली ही कर सकती है। नहीं बहुत होशियार है वो, और आपको बहुत चाहती है, लेकिन आपने कभी बताया नहीं। हमको कभी मौका ही नहीं मिला, और हमको तो सबसे पहले काम जरूरी है, बाद में दूसरा काम। क्यों आप प्यार नहीं करते? करते हैं, काहे नहीं करते? करते हैं तो उसकी फिक्र क्यों नहीं समझते हैं? गंगाराम आप औरत की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन काश उसे समझ पाते। आप समझा कर कुंती को लिख दीजिए कि हम आपकी दीदी हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्दी गांव जा रहा हूँ, खुद ही समझा दूंगा। ठीक है मैं जाती हूँ, ये चिट्ठी मैं देने आई थी। दुलारी बहुत बढ़िया मकान बनाया हो। अरे अंदर से देखेंगे ना तो आंखें चौंधिया जाएगी आपकी। अच्छा? आ गया। अरे ऐसे नहीं, धर्म से दरवाजा खोल दिया, घंटी है घंटी बजाओ। अच्छा। हटो हटो हटो, पीछे हटो, अब खुलेगा। अरे राम मिलन भैया। अरे भौजी नमस्ते, बड़ा अच्छा हुआ आप लोग हमारे घर आए। आइए आइए आइए, चलो। बहुत दिन से सोच रहे थे यहाँ आए के, तोरे भौजी भी कई बार कह चुकी थी, सो प्रोग्राम बना लिए। अरे फुलवा से पता किए कि आज शूटिंग नहीं है, सो चले आई यहाँ। अच्छा क्या ना आगे? सुना है आप गांव जाने वाले हैं भैया? हाँ भौजी, बहुत दिन हो गए गांव छोड़े हुए, बहुत याद आ रही है गांव की, सोच रहे हैं कि हो ही आते। जाना तो चाहिए ही, अरे हमारा भी मन छटपटाता है गांव जाने के लिए, मगर क्या करें, बंबई की जिंदगी और यहाँ की काम की व्यस्तता से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अच्छा तो ठीक है, वो तो है, चलो आप लोग बैठो, हम आपके लिए जलपान लेके आते हैं। अरे हम खुद ही ले लेंगे भैया, आप काहे को तकलीफ करते हैं। अरे नहीं भौजी, आप लोग पहली बार हमारे यहाँ आए हैं, सेवा का मौका तो दीजिए, आप लोग बैठिए हम आते हैं। चलो बैठिए तो हम आते हैं। देखो तुम ही बोलना। हाँ नहीं जी, आप ही बोलिएगा। हमारा बोलना ठीक नहीं लगेगा। अरे आपके बोलने का ज्यादा असर होगा। हाँ ये लो खाओ। तो भैया गांव कब जा रहे हैं? बस एक हफ्ता बाद जाएंगे, कौनो संदेशा वंदेशा पहुंचाना हो तो बोलो। नहीं कहना कि सब राजी खुशी है, और गुरुजी से तो मिलना होगा ना। अरे कोई पूछने की बात है, हम तो तुम्हारे गांव ही जाएंगे। हाँ सबसे मिलने के लिए, लीजिए खाइए। अरे कहा सोच रहे, खाइए ना भाई। गंगा भैया, यह जो भूल चुक हमसे हो गई है उसका हमको बहुत अफसोस है, उसका जिक्र वहां मत कीजिएगा। अरे हमारी समझ में तो कौनो भूल चुक हुई नहीं है आप लोगों से, अब बात बना के कहना हमारा आदत ही नहीं है। वैसे है ना गंगा, कि तुम गांव जा रहे हो तो गांव के लोग खोद खोद के पूछेंगे, तुम्हारी भौजी को इसी बात की चिंता है कि कहीं गलती से तुम्हारे मुंह से कुछ निकल उगल गया तो। अरे क्या बात कर रहे हैं रामबिलन भैया, देखिए जितना आपको अपनी इज्जत का फिक्र नहीं है, उससे ज्यादा कहीं हमको हमारी इज्जत का फिक्र है, और ये तो हम कब का भूल भाल गए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। तो मैं तो पहले से ही जानती थी हमारे गंगा भैया सबसे अलग है, पर इनको चैन नहीं आता भैया। देखिए रामबिलन भैया, मुंबई में आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, अब आप हम पर भरोसा रखिए, और ये सब कहा सोचते रहते उल्टा सीधा फालतू, ये सब छोड़िए, लीजिए खाइए ये सब। देखे हम क्या कहते थे। अरे खाइए ना। अरे सक की दुआ तो हकीम लकमान के पास भी नहीं है, समझे का भैया। अब देखिए खाइए और चैन से घर जाइए, और ये सब फालतू का बात सोचना छोड़ दीजिए, जब गांव से लौट के आएंगे तो हम आपसे जरूर मिलाएंगे। ठीक पीजिए पानी पीजिए। गंगाराम जी मैंने आकर आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे आइए आइए साधना जी,
मैं तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन आपके आने खुशी में मेरा मन जरूर डिस्टर्ब हो गया। सुनकर चलिए मन का बोझ हल्का हुआ। लेकिन मेरा अभी भी भारी है। क्यों भाई, आपने इन सज्जन का परिचय ही नहीं करवाया। आपने बातों में ऐसा उलझा दिया कि मैं तो भूल ही गई। दरअसल मैं इनके काम से आई थी। आप है मिस्टर संजय और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। हेलो, आइए बैठिए, आइए। आप ऐसे व्यक्ति के साथ आए हैं कि मैं चाहेगा भी मना नहीं कर सकता। बताइए क्या काम है? सर, साधना जी की संस्था ने मुझे एक ऐसे व्यक्ति पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो बड़ी उम्र में जाकर शिक्षा को समझा, अपनाया और समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया, और साधना जी ने उसके लिए आपका नाम सजेस्ट किया। साधना जी, आप तो गंगा जी, आपने अभी अभी कहा है कि आप चाहकर भी नहीं मना कर सकते, तो पहले आप इनसे बात कर लीजिए, उसके बाद मुझसे बात कीजिएगा, मैं भी हूं। बताइए। तो सर, कब मिलूं डेट्स के लिए? सिर्फ 2 दिन का काम है। ऐसा है, मैं अभी 10 दिन के लिए गाँव जा रहा हूँ, वहाँ से लौट के आने के बाद आप मुझे फोन कर लीजिए, हम समय निश्चित कर लेंगे। ठीक है, तो साधना जी मुझे चलना है, इफ यू डोंट माइंड। ओके ओके सर, आइए बैठिए। साधना जी, आपने तो मुझे आसमान पर चढ़ा दिया। मेरी नजर में आपकी वही जगह है, और इसमें मेरे 2 फायदे हैं। 2 फायदे कौन कौन से? पहला ये कि मेरी संस्था के लिए आपकी मिसाल देकर उस डॉक्यूमेंट्री के जरिए लोगों को समझाने में आसानी होगी। और दूसरा ये कि मेरी इच्छा थी कभी न कभी आपके ऊपर फिल्म बने। लेकिन क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श स्थापित हो कि देखो, पढ़ लिख कर ही इंसान कितना आगे पहुंच सकता है। गंगापुर का गंगाराम, गंगापुर का गंगाराम, एक नंबरी कलाकार है, नामी है नौटंकी बाज, बड़े बड़े सपने वो देखे जाने माने गांव समाज, कितना भी हो जाए ना नहीं विद्या बिन काम, कितना भी हो जाए नाम बने नहीं विद्या बिन काम, कहता है भाई गंगाराम। गंगापुर